नमस्कार दोस्तों, विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जियो 220B का माइक चेंज कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जियो F220B, और इसको हम लोग माइक चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छा तरह से खोल लेते हैं। पूरी तरह से सारे स्क्रू खुल गया और मैंने किसी चिमटे की सहायता से इसको अनबॉक्सिंग करना है। और आप लोगों को बताएंगे कि माइक चेंज कैसे करें। ये देखिए, ये शायद वाटर डैमेज या किसी कारणवश जो है माइक ख़राब हो चुका है, और हम इसको हॉट गन के द्वारा इसको हम रिमूव करेंगे और नया लगा करके चेक करेंगे कि साउंड जाता है कि नहीं जाता है। तो सबसे पहले कीपैड वाला है इसको कबाड़ लेते हैं ताकि जले नहीं, और इसको निकलते हैं। इसको निकालने से पहले इसमें हल्का पेस्ट देते हैं ताकि इसका बॉल जो है से नया कबड़े, और इसको ब्लोअर की सहायता से आसानी से कबाड़े। सिंपली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट लगा चुके हैं, और इसको हम हॉट गन के द्वारा जो है से कि निकालेंगे और इस माइक को रिमूव करते हैं। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देखिए, आसानी से निकल गया है माइक। अब यहाँ पे हम लोग नया माइक ले करके और इसका जो चार बॉल हैं इसको अच्छा से हम लोग पहले बॉल बना लेते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको जो है से कि लगाएंगे इसमें। ये नया माइक है और इसमें बॉल बन गया है, और हम पिसमी में भी हल्का बॉल बना लेते हैं। और माइक को यहाँ पे रख करके और हीट कर देते हैं हल्का। यहाँ पे हीटिंग करना रहता है, अगर ज़्यादा ओवर हीट होगा तो माइक ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पे तब तक हीट करना है जब तक चारों बॉल जो है से आपस में मिल ना जाए। अगर एक भी बॉल नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा। और हल्का सा इसको दबा के भी देख लेना है ताकि आपस में बॉल जो है से कि सट नहीं। और मेरा माइक चेंज हो चुका है और हम लोग इसको टेस्टिंग के लिए रेडी करते हैं।